Indian Men. I hope you guys are doing good. For those of you who are new, I am Siddhant and welcome back to a new vlog. तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है अपने चैनल में कि जब भी मैं कोई एक नई जगह पे जाता हूँ, वो जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, वो जगह के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग वो व्लॉग से ज़्यादा एंगेज करते हो. वो व्लॉग देखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कम्पेयर टू जब मैं जिम के व्लॉग्स डालता हूँ या फिर मोटो व्लॉग्स डालता हूँ या फिर डेली व्लॉग्स कह लो. बट इसमें एक दिक्कत यह है कि मैं हर हफ्ते नई जगह जाके वो जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पॉकेट में भी उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है. जो लोग व्लॉग शूट करते हैं उन लोगों को पता है कि एक व्लॉग शूट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है, प्लस जो पैसा जाता है वो खुद के पॉकेट से जाता है. तो उसकी वजह से मैं हर हफ्ते हर व्लॉग एक नई जगह जाके शूट नहीं कर सकता हूँ. बट जब जब भी मुझे कोई ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं हो, कम से कम पैसों में अपना काम हो जाए, तो मैं वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लेता हूँ और आप लोगों तक वो व्लॉग पहुँचा देता हूँ. एक छोटी सी कंप्लेन थी, क्योंकि देखो भाई मैं भी अभी बहुत टाइम से व्लॉग बना रहा हूँ एंड मुझे भी बुरा लगता है जब व्लॉग्स आप लोग देखते हो बट एंगेज नहीं करते. 200 लोग देखते हैं, 300 लोग देखते हैं, बट कमेंट कोई भी नहीं करता है. सो या अगर व्लॉग देखते हो तो ज़रूर से एक कमेंट कर देना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. भले आपको व्लॉग पसंद ना आए, भले आपको व्लॉग पसंद आए, तो आप लोग ज़रूर से अपना ओपिनियन ड्रॉप करना. खैर ये सारी बातें छोड़ो, आज हम लोग आए फिर से एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. वैसे यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ एंड मैंने बहुत पहले एक प्लान भी बना रखा था कि यहाँ पे आके व्लॉग ज़रूर से शूट करूँगा. आने में थोड़ा बहुत लेट हो गया बट स्टिल थैंकफुली आज सनलाइट है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए व्लॉग शूट करने में. और आज मैं आया हूँ यहाँ पर अपने साथ सिर्फ एक ही बंदे को लेके, क्योंकि ऑफकोर्स ये लोकेशन थोड़ा दूर है मेरे घर से और बहुत ही इमीडिएटली ये प्लान बना था व्लॉग शूट करने का. तो मेरे साथ है आज यासर. कुछ बोलना चाहते हो व्लॉग में? तो देख लो, लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ड्रिप में आया था, इस बार आज ये बहुत ज़्यादा ड्रिप में आया है. सो आज कवर करने वाले हम लोग दो जगह को, तो एक व्लॉग में दो जगह का आप लोगों को मज़ा आएगा, दो दो नई जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑफकोर्स. तो वीडियो में ज़रूर से बने रहना. और पीछे देख सकते हो आप ऊपर ये सारे फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एक बार मैं स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता हूँ. अभी हम लोग वहाँ पे बैठ के इंट्रो शूट करते ब्लॉक का, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं. सो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा है, यहाँ पे मतलब रोड ब्लॉक किया हुआ है ताकि यहाँ पे जो भी कुछ है यहाँ पे आप लोग खड़े होकर फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर सको. यहाँ से वॉकिंग पाथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप लोग वॉक करके जा सकते हो आगे आगे तक. आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बेसिक आउटफिट पे आए हो, सो ज़्यादा ड्रिप आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा. खैर चलो चलते हैं अभी अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और फिर आप. कि यहाँ पे वीडियो शूट्स वगैरह भी करने के लिए आते हैं लोग, प्लस यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी करने के लिए आते हैं. तो आप लोग देख सकते हो सामने ही एक वीडियो शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, जो भी चल रहा है भाई, बट यहाँ पे वीडियो भी आप लोग बनाने आ सकते हो. एंड ये एक सेपरेट जगह है, यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा क्लॉक टावर है और आगे ही सेंट्रल मॉल है. ब्लर हो गया. रोड पे ऐसा कुछ बना हुआ है और ये सीधा सीधा आगे वहाँ तक जाता है पूरा. मतलब ये जो जगह है ना, इसको प्रॉपरली डेडिकेटेड किया गया है इसी पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे आके लोग टाइम स्पेंड कर सके, थोड़ा एंजॉय कर सके, थोड़ा चिल कर सके. और साथ ही साथ यहाँ का जो बैकग्राउंड है बहुत ही बढ़िया है और सनलाइट भी यहाँ पे बहुत बढ़िया आता है क्योंकि ये ओपन स्पेस है. यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के खेलने के लिए झूले भी बने हुए हैं और सिर्फ वहीं पर नहीं, जगह जगह पर बने हुए. यहाँ पर भी देख सकते हो ये बच्चा जैसे झूला झूल रहा है यहाँ पर. और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड है. नहीं अटकेगा, कर 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 एक बार. अबे मत जा, अबे मार गएगा. चलो तो शर्म नहीं इसको दी, अबे पुलिस पकड़ लेगा जल्दी. ये
झूले में झूल रहा था और पुलिस लोग यहीं से गए। हर जगह पे जा के ये ऐसा काम करता है कुछ ना कुछ कि बात सुने। ब्लॉग का हीरो है आज यासर, यासर ही बस कंटेंट दे रहे हैं। हो गया ब्लॉग के लिए, जितना क्लिप लेना था लेंगे, नहीं तो अभी मार खाएगा। अभी हम लोग एक एंड पे आ चुके हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है बच्चे लोगों के लिए। प्लस ये देख रहे हो ये मिल रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, कोई मेरे को बताओ। मैं बचपन में ये बहुत खाता था, तो इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और यहाँ से देखो तो कुछ ऐसा दिखता है ये जगह, और ये उल्टा घूम रहा है। ऑलराइट सो गाइस, यही था पहला लोकेशन, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, बैठ सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, लाइक सनसेट देखने के लिए भी ये जगह बेस्ट तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, यहाँ से भी आप लोग सनसेट एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे फूड ट्रक वगैरह भी है, तो अगर आप लोग कुछ खाने का मन किया तो यहाँ से भी खा सकते हो। जगह तो काफ़ी बढ़िया है, लाइक वीडियो शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोकेशन है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी क्लिप में देख लिया। यहाँ पे लोग वीडियो शूट वगैरह भी करने आते हैं, सो अगर किसी को भी कुछ भी तरह का वीडियो शूट करना है, लाइक सॉन्ग के लिए या फिर ब्लॉग के लिए कुछ भी शूट करना है, तो आप लोग वो भी आके यहाँ पे शूट कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑलराइट सो गाइस, यही था हमारा पहला लोकेशन, यहाँ पे जितना भी कुछ था मैंने सब आप लोगों को दिखा दिया है, सिनेमैटिक ओवरव्यू भी दे दिया है। तो चलते अब अपनी दूसरे लोकेशन की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब में है। मैं कैमरा फ्लिप करूंगा और दूसरा लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, सो हियर इट इज़। ये लोकेशन है ब्रिज के नीचे, लाइक देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पे। मेरे को लगा था कि लाइट्स वगैरह नहीं होंगे, बट जैसे ही शाम हुआ तो लाइट्स जल चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये लोकेशन ब्रिज के नीचे से, और पूरा देख लो ब्रिज के नीचे वहाँ एंड तक ख़त्म होता है। चलो अभी चलते हैं वहाँ पे ब्रिज के नीचे और आप लोगों को वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं। दिस इज़ अंडर द ब्रिज, ऊपर में ब्रिज है और उसके नीचे ये लोकेशन बना है। कितना प्यारा सा लोकेशन है देख सकते हो, फ्लोर के नीचे लाइटिंग भी है, वही रोशनी है जो हम लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी में। टूटा हुआ साज़ हूँ मैं। यहाँ पे भी स्पेस है बैठने के लिए, चेस वगैरह खेलने के लिए। और ये एरिया देख लो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मतलब थिएटर वेटर होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के कुछ बच्चों को दिखा सकते, अच्छा कुछ एडुकेशनल वीडियोस वगैरह दिखाते होंगे इस जगह पे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये जगह तो वैसे ही है बच्चे लोगों के लिए। Baby, you mean so much to me. ऑलराइट सो गाइस, ये था एक पोर्शन इस सेकंड लोकेशन का, तो अभी चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ जो कि है ऑपोजिट साइड में, वहाँ पे तो वहाँ पे चलते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है और जो सेकंड पोर्शन है, दोनों को मिला के इस एरिया को कहते हैं कम्युनिटी जोन। और ये जो एरिया है पर्टिकुलरली जो सेकंड पोर्शन है, यहाँ पे ज़्यादातर फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को एक बार कैमरा स्विच करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बैठने का एरिया भी है और फूड स्टॉल वगैरह भी है, लाइक बहुत सारे, कुछ कुछ ऑपरेट हो रहे, कुछ कुछ नहीं हो रहे। और ये जगह अभी आप लोगों को थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, बट ऐसे कुछ अगर फेस्टिवल वगैरह हो तो ये जगह भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और जगह को अगर रेटिंग देने की बात है तो आई वुड गिव इट 5 or 6 out of 10, क्योंकि ये जगह बेस्ट है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और जिन लोगों को वीडियो शूट करना है उन लोगों के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, टाइम पास करने आ सकते हो, चिल करने आ सकते हो, उसके अलावा ज़्यादा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। और 100% रिकमेंडेड टू कॉन्टेंट क्रिएटर्स, अगर रील्स वगैरह बनाना है या फिर ऐसे कोई वीडियो शूट करना है या फिर पिक्चर्स फोटोग्राफी करना है, तो ये प्लेस बहुत ही बेहतर है आई वुड से डे लाइट में। और अगर क्राउड अवॉइड करना चाहो तो ज़रूर से दिन में आना। यहीं तक रखते आज के इस ब्लॉग को, मिलते हैं आप लोगों से किसी और नए ब्लॉग में। टिल देन आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितने भी मतलब झूले हैं, झूला को क्या बोलते हैं अभी इंग्लिश में, झूला को क्या बोलते हैं बोल इंग्लिश में, जो भी है